असल प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियाँ खिदमत पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ अनहारनेस्ड अनएक्सप्ल पोटेंशियल बेशुमार है बातें भी हम सुनते हैं इतनी ह्यूमन रिसोर्स है इतनी आपकी नेचुरल रिसोर्स है और एक स्टेप आगे और एंड बैकवर्ड और ये सारी बेढंगी चाल के अंदर वी है दुनिया में हम आराम से अपने मुआरे के अंदर भी एक हमारे यहाँ लीडरशिप का जिसे हम फुकदान कहते हैं तो उसमें भी हम ज़्यादातर मट स्लिंगिंग कर रहे हैं एक दूसरे पे उंगलियाँ उठा रहे हैं और ब्लेम गेम चल रही है जबकि कोई सल्यूशन की तरफ कोई हम नहीं चल रहे या कोई हमने एक ऐसा हमेशा हम एक, एक एक्म जब इस्टबलिश करने की कोशिश करते हैं तो वह फिर सारा डिस्टर्ब हो जाता है बवजू और उसके लिए पर्सनल विम्स पर्सनल आपके सारी सोचें लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो हैं वो डोमिनेट कर लेती हैं आपका पॉलिटिकल सीन एंड सो इज़ द केस विद यर इकोनमी हम इस पर आज बात करेंगे अभी हाल ही में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई है वो भी डिस्कस करेंगे इस वक्त अदालतें भी बड़ी प्रोएक्टिव हैं वहाँ से भी बड़े आनन फानन में फ़ैसले भी आ रहे हैं और कुछ फैसलों के ऊपर लोगों के तहफात भी हैं जिस जो जो बात हम कर सकते हैं जहाँ पर हमें कोई कदगन नहीं है लीगल बार वो भी हम करेंगे तो आज हमें एक बेहतरीन पैनल जो है वो इस मामले में हमें हमारी गाइड हमें रहनुमाई करेगा और स्टूडियो में हमें आज ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब ने आप मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं सीनियर तजिया कार हैं हम आपको वेलकम करते हैं और हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो हैं इकबाल शाहिद साहब सीनियर एंकर हैं टी वी एनलिस्ट हैं और सीनियर तजिया कार जनाब हम आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब ये इस वक्त जो एक जबल डब सिचुएशन है जिसमें कार्ड बिफोर दी हॉट सिचुएशन है ये आज तक कभी समझ नहीं आई कि हम कहाँ से शुरू हुए कहाँ आगे रुके और कहाँ जागे रुकेंगे मजीद कॉमे जो हमसे बहुत पीछे थी वो कहाँ की कहाँ निकल गई तो जाहिर है कॉमे वैसे तो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है हम बाहर से भी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं उसके लिए आपका एक अच्छी इकनॉमिक डेस्टिनेशन होना भी ज़रूरी है लेकिन आपकी जो अंदर एक बे की, की कैफियत देखने को आती है हर उससे भी इन्वेस्टमेंट शायद होकर चली जाती है तो वेयर डू वी स्टैंड नाउ आज हम कहाँ खड़े हैं तो हमें क्या मजीद करने की ज़रूरत है जनाब मियाँ साहब शुक्रिया बहुत बहुत देखें एक तो वो हम कहते हैं कि वेर देर इज विल देर इज अ वे ठीक है अब प्रॉब्लम कई लेवल पे है मल्टी डायमेंशनल है एग्रीकल्चर uh, के अपने प्रॉब्लम्स हैं जी जी। पानी के अपने प्रॉब्लम्स हैं बिजली के अपने प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री के अपने प्रॉब्लम हैं छोटे uh, सनतकारों के अपने प्रॉब्लम्स हैं सर्विस सेक्टर जो बहुत बड़ा हो गया है इस मुल्क का वो एक्सपोर्टेबल नहीं है वो टैक्स नहीं देने को तैयार एंड सच फोर्थ गवर्नमेंट इसके अंदर हिस्सादार बनी हुई है वो बजाय चीज़ों को आगे तक ले जाने के वो टैक्स इकट्ठा करना चाहती है और वो भी उनसे जो अभी तक दे रहे हैं और और वो भी को, को एक कोर्स मेथड ही है मेरे जी जी बात ये है कि हम जब पाकिस्तान को देखते हैं तो जिसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड केट से शुरू होता है जी जी दुनिया की बहुत सारी आठ हज़ार से बड़ी चोटियाँ इसके पास हैं जी जी उसके बाद सत्ताईस हजार ग्लेशियर हैं या थे आ, वादियां हैं ये इतना बड़ा खूबसूरत तो फ्लोरा है फ्लोरा है पांच दरिया थे समुंदर की एक बहुत बड़ी वो है जी जी पांच कोरल और सारा पांच डेजर्ट है बलोचिस्तान प्लेटू अपनी ही खूबसूरती रखता है फिर मिनरल से माला इंडियन सिविलाइजेशन का हब है सिखों का भी गुरुद्वारे और बुद्धिस्ट के भी यही हैं और आपने सही कहा कि हर किस्म का मदनियात भी है तो आ, मगर और फिर पॉपुलेशन फोर्थ लार्जेस्ट यंगस्ट पॉपुलेशन ये सारा कुछ है जो नहीं है, है तो वो शायद पॉलिसी मेकर्स का आ, 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 का ईमान नहीं है इस मुल्क में ठीक ठीक मेरा ख्याल है कि वो हम इकोनॉमिक्स में कैपिटलिज्म में कहते हैं एडम स्मिथ कहता है कि सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मैं आपकी मदद करूंगा आप मेरी मदद करेंगे ठीक है ये सेल्फिशनेस पे चले हुए हैं सेल्फ इंटरेस्ट रखने को तैयार ही नहीं और वो जब मैं सियासतदान कहता हूं तो मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहता मैं हर उस शख्स की बात करता हूं जो किसी न जो किसी तरीके से हुकूमत में आई है जितने भी मुशरफ भी था और और लोग भी थे अपनी जगह सबने किया है, सब ने किया सबके पास इकोनमिस्ट हैं मुझे जो नजर आई है चीज वो एक तो ये है कि यहाँ के इकोनमिस्ट जो हैं या पॉलिसी मेकर्स वो वेस्टर्न दुनिया आ, जो तरक्की याफ्ता है उसके मॉडल को यहाँ लगाना चाहते हैं जह, जहाँ ना टेक्नोलॉजी है ना रिसर्च है ना तालीम है तो मैं तो चीज़ों को उन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखता हूँ इकबाल शायद साहब से भी इस पे बात हो थी रही थी, थी। कि सबसे पहले ज़मीन इस मुल्क की जो ज़मीन है वो दुनिया में और खत्ते में सबसे कम पैदावार है क्योंकि है। हमने उसको रीऑर्गेनाइज किया ही नहीं है साइंटिफिक लाइंस पे नंबर टू मजदूर हमने जब इस मुल्क के बच्चों को तालीम ही नहीं दी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी स्किल्स ही नहीं दी तो फिर मजदूर को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैल्यून करें वैल्यूडिशन करे और, और क्यों कर करे कैसे करें हाँ। फिर तीसरा जो है वो कैपिटल कहते हैं कैपिटल दो किस्म के होते हैं एक फाइनेंशियल होता है तो वो भी करते लेके हम जिंदा हैं और दूसरा टेक्नोलॉजिकल होता है मशीनें होती हैं वो भी हम बाहर से मनाते हैं हम यहाँ और फिर चौथा जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है मैनेजर एंटरप्रेन्योर छोटा बिजनेसमैन और मैनेजर जिसने फैसला करना है कि कौन किस को किस चीज़ को किस शख्स को अच्छे काम पे लगाना है या राइट कैसे काम पे लगाना और है और टारगेट्स देने हैं साथ जिस मुल्क में ब्रेन ड्रेन भी हो रहा हो स्कूलों में भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ एंटरप्रेन्योर भी दूसरे का माल खाने को तो तैयार है हैं हमारे पास वन परसेंट बड़े प्रोग्रेसिव लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर्स मगर वन परसेंट हैं तो जब इसके अंदर हम हुकूमत का एक पाँचवा सतून जो हुकूमत है तो वो बजाय इकोनॉमिक ओरिएंटेड होने के वो रेवेन्यू ऑरिए रेवेन्यू ओरिएंटेड और फिर उसको जाया करते हैं जी। उसको करते हैं उसको आ, खा जाते हैं बजाय वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई होगी मैं मान लेता हूं मगर उस लेवल पे जहां होनी है वो नहीं नहीं। ये आ, मेरा ख्याल है इतनी हम जब पिक्चर ड्रॉ करते हैं मेरा ख्याल है इतनी मुहिब किस्म की पिक्चर नहीं है मेरा खाल बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी मौजूद है आपका मेरा हाल है वो बात जो कही अभी डॉक्टर साहब ने शायद वही है कि प्रॉपरली हम ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाए चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए कि क्या चीज़ पहले है क्या बाद में है एक कंपेरिटिवली होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए थी वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही कि शायद इसमें कोई वो वेस्टर्ड इंटरेस्ट वाली बात आती है फिर बहुत शुक्रिया जी असल एक तो होता है ना बीमारी का पता ही ना हो डायग्नोज ही ना हो बीमारी का तो पता है सबको पता है जो बीमारी हमें यानी वर्ल्ड बैंक जाए इससे पहले आईएमएफ बार बार जब शराय आयद करता तो साथ वो गाइडलाइन भी देता है आईएमएफ किसी मुल्क का दुश्मन नहीं होता वो ये कहता है कि आप लोग इस वक्त इकनॉमिकली तौर पर यहाँ खड़े हैं आपके जो पेमेंट है यानी तोजन है पेमेंट में डेफिसिट है एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट है रिजर्व कर सकते हैं और अगर ये जो लोन आपने लिए हुए हैं आप प्रोडक्टिव स्किल्स पर नहीं लगा रहे तो आप नहीं दे सकेंगे तो बीमारी तो नज़र आती है बीमारी इसलिए नज़र आती है कि इससे थोड़ा सा पहले जब अभी पाकिस्तान नया नया बना था तो आप देखेंगे अयूब खान का दौर कितना फोर्टी सेवन से लगाएं और बीस बाईस साल का अरसा बनता है जो तो पाकिस्तान यही था डैम बन रहे थे बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े डैम बिजली बिल्कुल फ्री लाइक थी और हम दुनिया को कर्जा दे रहे थे हमने हाँ पी आई का फ्लैग पूरी दुनिया में लहराया और कौन सी चीज हमारे पास नहीं थी वजह यह है कि बददयानत की आदत दूसरे मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट भी है जिस तरह डॉक्टर साहब ने काफी एक्सपीरियंस तो कर दिया कि हमारे पास दायरा है समुन्दर है रेगिस्तान है ओ भाई मुला ने गधे के ऊपर सोना लादा हुआ है पता ही नहीं सोना लदा हुआ है या मैं आप देखेंगे जो इतना मिडल ईस्ट है वही लोग थे यहां पाकिस्तान में हजारियों के साथ आटा लेने के लिए चले जाते थे के जहाजों पर बैठ के थीक, थीक। तो वो को लिए एक फैसला किया किसी ऐसे स्किल्ड को यहां लाया जाए तेल निकाला जाए और आप देखें वो कहा है उन्होंने पॉलिसिया वाइजली और अब दोबारा जिस तरह दुबई बन नहीं सकता वो दोबारा दुबई दोबारा बनाने से पूरी यूरोप भी इकट्ठा हो जाए नहीं बन सकता अब पाकिस्तान में जो या जिसको हम कहते हैं पहले तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की मैं तस्वीर कर दूं कि यहां हम गिनते हैं 25 करोड़ 25 करोड़ में आप देखेंगे तो पड़ी हुई है जो लैंड रिफॉर्म भी आप नहीं कर सके तो वो शेयरिंग कैसे करें एग्रीकल्चर बेस्ड जो मुल्क है एक्सपोर्ट कैसे करेंट साहब ले लें चूकि आपने लैंड रिफॉर्म पे काम भी बड़ा किया हुआ आप एज मेजिस्ट्रेट भी इसमें रेवेन्यू सेक्टर में रहे हैं ये देखे ना पहले एक हमारे आया वो इकनॉमिक होल्डिंग फिर सबसिस्टेंस होल्डिंग गुजारा यूनिट इकतदी यूनिट फिर वो मार्शाला रेगुलेशन एक सौ पंद्रह थी जो वो उसके तहत था कि बड़ी लैंड होल्डिंग नहीं आप रख सकते एक फर्द के नाम या एक खानदान या कुछ बाद में फिर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि ये अन इस्लामिक है और हमारे इस्लामी का, का गया। आ, रिफॉर्म्स का फिर आप थोड़ा सा क्लियर कर शरीफ के जो पीर साहब थे मुकरम शाह उनका इस्लाम में प्रॉपर्टी का कोई डोमेन का तस्वर ही नहीं जितनी मर्जी होनी चाहिए और ईस्ट पाकिस्तान में हो गई क्योंकि वहां हिंदुओं की जमीन ज्यादा थी बाकायदा लैंड रिफॉर्म हुई एक तो ये हो गया दूसरा जब आपने शुरू में ही एक कार्टल बना दी कि एक तबका सिर्फ शुगर मिल लगा सकता है किसी को मुझे शुगर मिल दिखा दें सिंध में एक पार्टी के सरबरा की होगी या एक पार्टी के सरबरा की या चंद एक नए सरबरा जो आने उनकी होंगी चंद एक नमाजे हुए लोग टेक्सटाइल जो है जो सबसे ज्यादा हमारा इजिप्शियन कार्टन जिसको वो कहते हैं नंबर टू हमारी लॉन्ग स्टेपल बल्कि वो कुछ भी नहीं थी हाँ हमारी जो है आप देखिए सेवन की की बात कर डॉ डॉक्टर साहब लॉन्ग स्टेबल पैदा तो नहीं कर सके अभी नहीं वो लॉन्ग स्टेबल का प्रॉब्लम ये है कि उसका जो स्टेम है हाँ वो उस बोझ से गिर जाता है दूसरे नंबर पर तो हम रहे जी वो फिर एक बाकायदा तबका बन गया आपके सामने इस वक्त जिसको हम अश्राफिया कहते हैं ये सियासत में आ गए सियासत में आके बायदा ग्रु और ग्रुप बन गए पाकिस्तान की जो तो नरक्की होने की वजह थी मुबारक समर मंद ने कहा मैंने तो बिजली बना दी थी तो रिकॉर्ड पर मौजूदा किस वीन ने कहा, कहा जज ने फैसला कि किया है वो अलग अलग हमें लेकिन कहता है चैलेंज नहीं कर सकता मसरा यह नहीं है बीमारी कहा है बीमारी सर ये है कि हम क्या कर सकते हैं जिन जो उसको हम आवाम कहते हैं या जो पढ़ा लिखा तबका वो क्या कर सकता है वो यहां जब तक मिया रहमान साहब यहां जब तक किसी बंदे की जान और माल महफूज नहीं होगा वो हैदरिया जहां यहां जो स्टेट बुनियादी स्टेट, स्टेट जिम्मेदारी है।, है जान माल का तहफ एजुकेशन सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ उस वक्त तक ओन नहीं को करता अब वजह यह है कि क्या सियासत भी आपने देखा कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन गई कि आम आदमी का एक्सेस है क्या अमेरिका तो नहीं है कि ओबामा बन जाएगा कोई तो सब ब्रिटिश तो नहीं है कि वो बन जाएगा एक ऐसा आम सा बंदा पाकिस्तान में एक तमाम सिस्टम को हाई हाल जैक हाल कर लिया गया है ओवरजेक कर लिया गया है हाई जेक ओवर इसको आप कहते हैं इकोनॉमिकल वार लॉर्ड्स ये इकॉनमी किसकी बात करते हैं एक्सपोर्ट जब एक आदमी कहता है कि भी हम तो एक्स इम्पोर्टर हैं हम तमाम आपको कपड़ा ला के आधी कीमत पर चाइना से ला देंगे मलेशिया से ला देंगे तो हम तो कंज्यूमर कंट्री बनाने वाले कौन है फैसला साज फैसला साजों ने मुल्क की तरक्की के बात दीवार बनाई हुई है अब रह गया कर्जा या आई एम एफ क्या कहता है वर्ल्ड बैंक कहता है उन्होंने बीमारी डायग्नोज की है बीमारी का हमारा पता है ठीक है वह कौन सही करेगा सही करेगा जिसके वेस्ट इंटरेस्ट मुल्क के साथ है, नीट और नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। जो उस बदमाशिया का जो उस करप्शन का हिस्सा है उस कार्टल का हिस्सा है तो वो आगे भी तो अभी आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा ना आपने जितने लोन देने हैं आइंदा शराय उन्होंने साथ ये भी रखे थे हमारे तो सिस्टम भी आई जैक उन्होंने कर लिया बिल्कुल अलेक्शन करवाएं क्यों नहीं करवाते भाई आप सावरण मुल्क हैं आप जब मर्जी कराएं जो मर्जी निज़ाम लाएं अब आप इस सतह पर नीचे आ चुके हैं खुश फहमी से निकलें कि ना एजुकेशन है और एजुकेशन अफोर्डेबल भी नहीं है क्योंकि आम आदमी का बच्चा तालीम में नहीं आगे आ गया सकता क्योंकि इतनी महंगी तलीम है इलाज नहीं करवा सकता और जो हशर इंसान की जान मार के तहफ का सिक्योरिटी ऑफ लाइफ सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी वेयर इज अगर मुल्क यूनाइट नहीं होगा लोग इस मुल्क से मोहब्बत तभी करेंगे कि तमाम लोग कहें कि ये मेरा मुल्क है मैं इसका तो इसलिए बेशक आई एम अपनी रिपोर्ट पढ़ें वर्ल्ड बैंक की पढ़ें आगे भी जब तक पूरी कौम हो होके या हमारे जो शराफ शराफा हैं या शराफिया है वो तोबा करके जितना कमा लिया कमा ले तो कम से मुल्ल को भी कुछ दें और उनसे पूछें इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान हैं सिक्सटी टू फेडरल मिनिस्टर में एक भी मुसलमान नहीं है नब्बे फेडरल सेक्टर में एक भी मुसलमान नहीं, नहीं है डॉक्टर साहब से भी लेते हैं डॉक्टर साहब ये अब ये है कि सोल्यूशन की तरफ जब हम जाते हैं या हम बात करते हैं तो देखें जब स्टेट का दुनिया में हमें जरूरी नहीं है किसी का मॉडल कॉपी करें हम अपना मॉडल भी तो इवॉल्व कर सकते हैं जो हमने कभी किया नहीं वैसे लेकिन ये है कि आपने अपने गिवन फ्रेमवर्क के अंदर फैसले करने हैं आपकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है आपने आपने कहीं से कोई चीज़ें मुस्तार भी ले लेनी है कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब जैसे दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जहाँ रेवन्यू का सिस्टम बड़ा कामयाब है मतलब यूके का ले लें या अमरीका का ले लें कि मतलब एक आदमी अगर लाख कमाता है तो चालीस वो स्टेट को देता है और स्टेट आगे ईमानदारी से वो अवाम की फलाह पर लगाता है तो और स्टेट कहाँ से करेगा फिर ये ये चीज जो हम कह रहे हैं कि जी लोगों को एम्पावरमेंट नहीं मिल रही उनको पढ़ाई नहीं हो रही स्किल्स नहीं डेवलप हो रहे तो स्टेट भी तो आगे कह रहे थी हमारे पास इनकेपेसिटी है टू एजुकेट दैम टू इंपार्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रेनिंग या ये यही यहाँ पे क्या कोई है गड़बड़ स्टेट जो है वो सबकी है ना जी सबकी है बिल्कुल हाँ. जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो ये कहती है कि हमने गवर्नमेंट इसलिए बनाई कि हम जंगल के कानून से बाहर निकल के किसी लॉ एंड ऑर्डर में रख रहे हैं। मगर जब स्टेट ही जंगल का कानून लगाना शुरू करते हैं, तो फिर आम आदमी तो, तो रहे, रहे नहीं अब तो अमूमन हर मुल्क में मिडिल क्लास होती है जो ऑनस्ट अच्छा एक ब्रेक पर जी ब्रेक के बाद हम आपको खुश कहते हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के एस असलम और इकबाल साहब जी डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे मैं ये कह रहा था आपको सर के जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं जी वो अब वेस्टेड इंटरेस्ट पे चले हुए हैं ठीक है इकबाल शाह नो रियलाइजेशन एट ऑल जी उनका ख्याल है कि ए, ए, ये मुल्क जो है इसमें इतनी ताकत है कि उसको लूटते जाओ उसकी ज़मीनों पे कब्जा करते जाओ घर बनाते जाओ पैसा डॉलरों में लेके इस मुल्क से बाहर लेते लेके ले चले जाओ ए, और ए, ये गुलामियत की तरफ ले जाते रहो अच्छा ये सोचा उन्होंने तो नहीं छोड़ा कि मुल्क में बड़ी रेजिलियस है कोई बात कुछ नहीं होता <laughs>

जितना मर्जी तूफान आ जाए हाँ, अपनी बुला इनकी, से। इनकी यही है मुझे क्या कि बच्चों के, ए, के, की, की तालीम बाहर है हाँ, एसेट्स बाहर रख दिए हैं वीजे या नेशनैलिटी ने ड्यूल ले ली हैं यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो मेरे बाद जिसने आप ही ने कहा कि कौ, कौन, देखता है कौन मुझे तो डॉक्टर साहब किसी ने बताया कि इस वक्त जो जिनके पास अनान हुकूमत है उनमें से पता नहीं बीसियों लोगों ने शंजन शंजन के वीजे लेके रखे हुए हैं बैठे बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन मूव एनी टाइम आप देखें उस दिन खबर थी कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बीस ऐसे फौजी हैं जो कनाडा में रह रहे हैं और जगहों पर रह रहे हैं आपके सरमाकार सारे के सारे ऑफ कंपनियां बना के ये पनामा लीक और पता नहीं क्या ये ए ए एक ज़माना था कि इमरान खान साहब भी क्राइसिस होता था तो लंदन चले जाते थे जरदारीस भी लंदन चले जाते थे नवाज शरीफ वगैरह भी लंदन चले जाते थे अल्ताफ़ सुन वहाँ रहता लंदन है, है को, को स्परिचुअल ही रहा है इनको। जी बिल्कुल स्पिरिचुअल हीलर हाँ, है उसको उसको मलका बरतानिया कहते थे अच्छा हाँ, अब बादशाह आ गया है तो वो नेचुरली इनको जो सारा वो पुराना हमारा कलोनील सिस्टम जो है कॉलोनील मास्टर्स कहीं ना कहीं मेरे से डिसग्री करेंगे बट कहीं ना कहीं तो इनको वो करते हैं ट्रेनिंग भी करते हैं इन सच फोर्थ तो so, सो so, जब तक आप अपनी वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको आ, न, एक तोसलसल नहीं देंगे तसलसल तो उसके साथ-साथ प्रो पीपल प्रो पीपल होना पड़ेगा आ, आप तो पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन नहीं होता नहीं हो इट विल कम अबाउट वो कैसे हो जाएगा बात ये है ऑटोमेटिक तो नहीं लगाया जा सकता दो बातें हैं बड़ी दो, बा, दो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट और दोनों बेहानक हैं हां पहली बात तो ये है कि एक ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस चंद सालों में आ जाएगा जिसको फिर सॉल्व करने के लिए आपको नई वो मेजर लेने पड़ेंगे वो मेज लेने पड़ेंगे जैसे यानी वो वर्ल्ड रिफॉर्म भी है और भी। इसके बरक्स दूसरा जो हो सकता है बहुत सारे हेती में और बहुत सारे मुल्कों में हुआ है कि किसी सार्जेंट मेजर ने किसी कर्नल ने ऊपर की सारी पॉलिटिशियंस को कत्ल कर दिया और फिर एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन अभी भी चार हाँ। पांच मुल्क हैं वहां है। हुआ है तो खतरे ये भी हैं लेकिन वहां सोशलिज्म कामयाब नहीं जा रही कुछ नहीं सर सोशलिज्म जो है वो वो एक मिथ है हर वो चीज जिसमें हुकूमत

साइंटिफिक uh, एजुकेशन हर बच्चे को दी जाती है आप बाहर से यहां से चले जाएं आपके बच्चों को भी वही तालीम बिल्कुल हमने जो ये तफरीक रखी हुई है कि ये अलीट हैं ये गवर्नमेंट के स्कूल हैं ये मदरसे हैं और ये टेफ्ट है। तो आ, हमने त, आ, कर दिए है ना त, और उसमें आ, कोई लम्स जैसे भी हैं जहां सिर्फ मैनेजेरियल तलीम देंगे और अमेरिकन स्कूल है जान जान से सीधे सीधे अमेरिका चले जाएंगे तो जब आप ये तफरी करेंगे और ने? फिर आ, आ, आपने क्लासेस बना दी हैं तो भी, भी। किसी को कौम के बच्चे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि वो उस सतह से ऊपर चला जाए और इकबाल साहब ने बड़ा अच्छी बात की है कि सियासत में तो आप घुस नहीं सकते अभी भी जो आपको पहले ए, 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 पार्टी के लीडर ने देना है कि जी आप टिकट ले सकते हैं या नहीं ले सकते फिर तीन चार हजार रुपये आप इलेक्शन कमीशन को देते हैं चालीस हजार रुपये सिक्योरिटी देते हैं और फिर लाखों खर्च करते हैं उस इलेक्शन में तो आप गरीब आदमी का बच्चा कैसे करेगा बिल्कुल सही ये इकबाल शाह साहब ये वो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है ताज़ा ये वैसे बात तो आप वही करते हैं कि ये बातें तो नोन है पहले की लेकिन अब वो और अलार्मिंग है बड़ी उस हवाले से नहीं। दुरुस्त है कहा कि अलार्मिंग कि इसको डॉक्यूमेंट कर दिया कर कर। 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 पाकिस्तान में शख्सियात अदारों से बड़ी हो गई हर अदारे में हर अदारे का सरबरा उस कानून से बाल आता रहे कहता था कि चोरी जब रात को भी होती है तो जा छुट्टी कैसे चला गया अब आप देखें कि किसी दुनिया में, में देखा है ढाई ढाई महीने तक तो छुट्टियाँ होनी पंद्रह पंद्रह दिन तो सर्दियों तो आप का दें, जस्टिस तो तो चोरी को छुट्टियां रात होती है कतर रात को भी होता है तो फिर दालते बंद क्यों है अभी आपने देखा कि दे, अवेलेबल नहीं है कल का रिमार्क्स देखने इसको छोड़ दें आपने कहा कि कौन सही करेगा जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं उनको ये है कि जब आज रिट पटिशन एक गई है अपलीकेशन गई है चाहे इलेक्शन कमीशन को गई ये आई जी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बदलने खुद आ रहा पच्चीस तारीख का ये वाक्य हमें रिजर्वेशन खुद तो नहीं बदला उन्होंने जब जिद बनाई हुई हर डिपार्टमेंट ने वो कहता है मेरी तो हीन होती है मैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानता हर अदारे की बात करना चाहता हूँ वो कहता है सदर की बात मैं नहीं मानता मैं नहीं जाता लेकिन अमेरिकी सफीर को मैं मिल दूँगा ये हो गया एक अदारा जुडिशरी आलाधा इंडिपेंडेंट है बाकी लोग बड़ बड़े बड़े हिस्से में भी आलाधा इंडिपेंडेंट हैं बाकी रह गए चार वजीरे और एक वजीर अजम ये पाँच बंदे मुल्क की मुल्क का सारा, सारा तकदीर इनके हाथों में ये है वन आप कहते हैं वन मैन शो ये प्रजाइडिंग चेयर पर जब बैठते हैं तो आप देखे काबीना बैठिए किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो तजवीज़ दे सके वो कहते हैं ये बल्कि मैंने एक दफ़ा जब ये लाहौर में यू टर्न बन रहे थे पिछले दौर में पिछले से पिछले दौर में तो मैंने कहा ये तुमने यू टर्न कैसे बनाए हैं कि आप अंधे हैं अरे लिबर्टी में इतना पैसा लगा कि नीचे से अंडर पास ही बना देते वो कहते है आपको तो पता है अच्छा आपने एक और बात बड़ी की आपने कहा हमें अकल नहीं है हमें किसी का एजेंडा लेने में कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया है हाँ अगर कहीं से अच्छी अकल की मनमोहन सिंह खजाना बने उन्होंने कहा पांच चीजें इंडिया में महंगी हमने नहीं होने देनी वो घी चीनी आटा दाल और ये। वो नहीं महंगी जो मर्जी हो जाए अच्छा फिर कौन थे चंद्रशेखर कौन था सिंह कौन था जो नवाब लोग थे सरेंडर करके आ गया इंदिरा गांधी ने पूछा कि तुम सियासत में आना चाहते हो तो सैक्रीफाइस क्या करोगे सारा कुछ दे दिया जागीरें दोनों अब आप देखें कि अब मोदी हमारा दुश्मन है उसे कोई मिल दिखा दें जिस मुल्क में हो बार बार वजीर आजम बन जाएंगे तीसरी बार <laughs> मैं कहता अपने मुल्क के लिए उसका जब सब जब किसी मुल्क में जाता है तो अमेरिका यूरोप के सारे मुल्क आगे खड़े होते हैं क्या ये बात गलत है नहीं नहीं ये तो बात सही है हम कहा खड़े होते हैं वजह यह है कि हमारे ऐसे हमारे आसास से हमारे असाज से हमारी हम इन्वेस्टमेंट के लोगों को कहते हैं हमारे मुल्क में आओ हम बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं जब आपका दोरा चेहरा है तो फिर यह है कि उसको का कौन पैरा असल सवाल यह है देखो अवाम के पास में तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब दुरुस्त कहा कि कितनी में कि लाग लाग भी कहते हैं बड़ा गंद है ये भी नहीं कहना चाहिए मेरा ख्याल नहीं नहीं है भी तो आपके बड़े महबूब था कहना चाहिए गन था अब मैं बाहर आ गया आज आप देख लें कि ऐसे ऐसे नाप रोजगार बड़े बड़े उदो पर छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं इनकी अच्छा हिम्मत ही नहीं मुझे बताइए तीन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने जमानत दी है और एक ऐसा जो उठा के ले गया शाह अच्छा वो आपने बात सही है जो वो आ जाता है ना ऊपर से हुक्म वो इस तरह बैठे होते हैं मिट्टी के माधो की तरह जनाब आपका हुक्म ऐसा इज्जत आपने बाहर करनी है करनी है यादलिया ने खुद करनी है मेरा खुद वैसे कर लेते तो अगर अगर कोई आदमी रोजाना जो आप सुन रहे हैं बेशक पार्टी को छोड़ दे कौन सी पार्टी है मुल्क के शहरी तो है ना वोट वोटर भी हैं जिन मुल्क के बाकायदा ओनर हैं जब आप कहते हैं आपका वोट बराबर है तो मुल्क के सिटीजनशिप पे आपका शराती कार्ड है तो ही हैज अ राइट कि मैं सुनो कि अदालत में वह निकलता है बाहर पकड़े जाता फिर निकलता फिर पकड़ा जाता है कि अदालतों को इस पर सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए अगर नहीं फैसला कर सकते तो रिजाइन नहीं देना चाहिए

जाके मुझे फर्द निकाल के दिखा दे अगर जायज डिसमिस करें उसको छह साल सजा दें तो उस अफसर के कौन मानेगा ये आपको नहीं। नहीं, शर्मिंदा हो गए हाँ, तो रोना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूं भाई अगर नहीं साहब फैसला ये होता है वो इम्प्लीमेंट कर किसी अफसर को डिसमिस कर देता है उस अफसर के कौन मानेगा जी नीचे वैसे डॉक्टर साहब ये बात तो है सही है कि माड़े बंदे न तो बहुत कुछ कर लेते मैं लेकिन तकड़े बंदे के साथ आगे वो फिर ये कुछ मैंने आज तक किसी को फर्क देते देखा कि आ, मैंने उसकी म्यूटेशन की नहीं हो। नहीं देखे अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि <coughs> वैसे तो दुनिया में जो मॉडल कामयाब है वो तो लेसर गवर्नमेंट का आ, जी। लेकिन हम यहाँ कौन सा मॉडल फिर अख्तियार करें लेसर गवर्नमेंट के साथ तो आपके अडल्ट्रेशन भी होती है बड़ी खुल के मिलावट भी हो रही है जनाब फिर वो

सही है <laughs> मुझे बताओ कि दूध वो दूसरे दिन लेगा पाउडर डाल वैसे डॉक्टर साहब मेरे खाले इकबाल साहब को ये अथॉरिटी दे देनी चाहिए <laughs> <जाएं laughs> है काफी हद तक तो होनी है। चाहिए ना सर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन बनती है आप सुनते हैं बीस बन दूध जया कर दिया वो लेसर गवर्नमेंट में तो आप फिर वही कह रहे हैं ना कि जब गवर्नमेंट ही करा लेसर गवर्नमेंट की बात करता हूँ पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड बैंक की इससे पहले एक और रिपोर्ट आई हाँ, इससे पहले भी एक आई जी उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्रीज और फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर मिनिस्ट्रीज एक दूसरे खत्म उन्होंने उन्होंने उन्हों करें ना इनकी कमेटी बनाते अच्छा हाँ। ताकि ये मिलकर फैसला करें और फिर वो ओवरलैपिंग नहीं होगी उनका ना हटाए तो अब आ, आ, दूसरी बात यह है जी के आ, मुझे तो ये समझ आई है अच्छा पिछली ओवरलैपिंग फंक्शन है हाँ जी उस और... हाँ, ये तो कहते हैं ना कि खत्म कर दो आ, आ, हाँ, ये आ, तो कहते हैं खत्म कर दो वो अगर खत्म नहीं कर रहे तो उन्होंने कहा कि इनकी कमेटियां बना दे ताकि फैसले हो और ना प्रोविंस का जी हमें नहीं पता और दूसरी जो मेरा ख्याल है कि दो ही हैं पॉलिसी मेकर्स फेडरल गवर्नमेंट और पॉलिसी इन्फोर्स लोकल बॉडीज बीच में वो उड़ा दे वो तीसरी जो है दरमियाना टीयर जो है टीयर है जो पैसे खा रहा है और दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन है। और लोकल बॉडीज हाँ। को चलने नहीं से मदद चल रहा है हाँ हाँ। कि आप मुझे बताइए एनएफसी एफ सी अवार्ड क्या है।, हाँ। है सारा वो सूबो को चला गया ना। वो सूबों को चला गया ठीक है मुझे बताइए कि उसका उसका चेक एंड बैलेंस किधर है अच्छा जुम्मेदारी में अगर अठारहवीं तरमीम को चार्ट रहे हैं ना लोग उसमें जुम्मेदारी में कोई बच्चा चौदह साल का स्कूल से बाहर नहीं रहेगा उसमें ये, 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 ये है। लेकिन सिर्फ फंड जो फंड में में है कि एक जब इस वक्त एक जी साहब बता रहे थे नाम लेता जी के बलोचिस्तान में कैबिनेट बैठी हुई थी साहब बैठे थे तो साहब उन्होंने कहा आप पिछली दफा तो हमने पैंतीस पैंतीस था तब हमने चालीस पैंतालीस खर्चे बढ़ गए लगाना नहीं कहीं तो मैंने बाहर निकल के वजीर से पूछा कि आप मेरे ही मुझे बाहर निकाल देते चलो आप कर रहे थे पूछना तुम भी कर लेना वजह यह कहीं डेवलपमेंट वजह बता दें कि जितने सात सात सौ बिलियन रुपया सत्तर सत्तर बिलियन एक एक दफ़ा का अच्छा आपने बलोचिस्तान की बात छेड़ी तो मैं चूंकि बलोचिस्तान के काफ़ी लोग हमें बड़े सीनियर इवन बुजराय आला भी यहाँ आते रहे पंजाब में तो हम उन्हें एक ही सवाल करते थे कि जी भट्टो के दौर से शुरू हुई बात भट्टो ने नहीं बल्कि कहा कि मैंने तो इनको इतना पैसा दे दिया तो अब वो जाता कहाँ मैं तो वो दरमियान में जो मिडल मैन सरदार या कोई और इस तरह वेस्टर्न इंटरेस्ट बैठे हैं वो अपनी जेबों में डाल लेते हैं नीचे वो पैसा लगाते नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल आपसे नब्बे करोड़ करकों के काउंटर से नहीं निकला फैक्ट्रियों का निकला है लेकिन वो ये सारा हैंड इन तो ये है, तो है, तो जो में ग्रुपिंग है वो बांट लेते हैं डेवलपमेंट को नहीं करते नहीं करते वो ये मुझे सीनियर ऑफिसर थे वो कह रहे थे कि हमें अल्लाह बख्शे बुजुर्ग फौत हो गए वहां के लीडर एक एक एक्शन में चले गए थे वो कहता है कि वो पूरा एग्रीमेंट होता है ना कि इतने अरब रॉयल्टी फलानी गैस की ये वो तो अचानक एक दिन वो कहते हैं यार इनके वो उड़ा दो पाइप शाइप तो हम कहते थे क्या हो गया वो कहते थे जी इतने दो एक अरब और भेज दो फालतू ऊपर चुंगा लेते थे, थे वो तो वो सरतारी सिस्टम हम तो उनके खिलाफ बात नहीं करते क्योंकि हमारा जी, जाएंगे लेकन, लेकन जी कर ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदी कहते हैं जी इकबाल शाह इलेक्शन सीनेरियो जो है वो सुना बजहिर बाहर तो इतनी सरगर्मी नहीं दिखाई दे रही अभी तो खैर वो जलसे जुलूस रैलियाँ होंगी कोई एक पार्टी जरा जत में भी है और सुना जा रहा है कुछ लोग कह रहे हैं आप इसकी ज़्यादा बेहतर तस्दीक कर सकेंगे कि जी उनकी प्रोपगंडा जो मशीनरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मतलब पी टी आई वालों की वो ये तासर दे रहे हैं कि हमारा जो उम्मीदवार जाता है उसको लेकिन आप सुना है कि दो सौ से ज़ायद सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने बल्कि तीन तीन चार चार लोगों ने उन्होंने जाके बाकायदा नामजदगी के कागज़ जमा भी करा दिए तो अब वो चीज सॉर्ट आउट हो गई है सेटल हो गई है या अभी चल रहा है कुछ इस तरह के मामला नहीं मैं सब ये जो है है प्री मैं, मैं वो चल रही सर मैं तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले हफ्ते फिर गया अच्छा जो बायदा एक ऐसी बैकग्राउंड की है जहां आपने बुद बुद पूरा सर्वे किया अच्छा फिर मैं लाहौर के रिटर्निंग अफसरों को भी मैं मिला हूँ क्योंकि मेरे दोस्त हैं

काफ़ी लोगों के ऊपर ये प्रोसेस मुकम्मल करके इश्ते करार दे दिया गया ताकि पकड़ने में आसानी रहे जिसका भी नाम समझते हैं आज की बात आज की बात है वो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल आर्डर किए कि हम हुक्म देते हैं पाकिस्तान की मशीनरी को कि वो ल, ल, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तमाम को यकसा मौक़े मुयसर करें तो आज भी चार लोग उठाए गए शालकोट में के दो, दो, दो उठाए गए वजह ये एक और दूसरा देहाती एरिया जहां बस एक तो वो उस्मान डार का भी हल्के में हुई थी पहले लेकिन अब वो शॉट हो गया मसला मतलब। मेरे पास काफी रिटेल हैं हां अब ये है कि कई इलाकों में मैंने देखा कि कैंडिडेट तो वो पीटीआई का है उसके डेरे पर कोई बत्ती नहीं रोशनी नहीं कोई छोटा स्टिकर भी नहीं आप देखिए रियासत की जो बाग है नहीं लेकिन उसको रोक रहा है स्टिकर लगाने से

अगर वो बेचारा जान छुड़ा के जब वह भागे दौड़ कर रहे वोटर तो भी भाग जाएगा कंपेन किस चीज़ की सब लोग तो इतना कोई मज़बी लिहाज से तो जुड़े हुए नहीं होते कोई फिफ्टी परसेंट होते हैं कोई पच्चीस परसेंट होते हैं मैं समझ पी टी आई वो रिजल्ट शायद ना दे सके जिस तरह नज़र आ रहे हैं यहाँ अब अच्छा। इसलिए कि जो बिग है उन उनके इलाकों में जाके रहना आम आदमी का क्योंकि इस वक्त जो टिकटें साहब का गवर्नर भी कोई नहीं साहब का वजीर वजीआला भी कोई नहीं वफाकी वजरा और सबाई वजरा भी कोई नहीं यानी वो आम लोग पी टी आई के वर्कर बन के चीज़ें इंतजमा करवा रहे हैं वो

और ये है कि एक सौ पचहत्तर पार्टियों एक सौ पचहत्तर पार्टियों में सिर्फ एक पार्टी को किया है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो खुद कर रहा है दूसरा अगर इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी तो मेरा उसमें इंटरव्यून करता नहीं इलेक्शन इलेक्शन कमीशन नॉर्मली मैं खुद चीफ एक पार्टी कर रहा हूं मेरे साइन एक में नहीं होते लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कहता है ये टाइम बार था यानी उन्होंने ऑर्डर दिया बीस दिन में कराओ

तो अगली हुकूमत को काम चलाना भी मुश्किल होगा महीशत भी बेहतर नहीं होगी ये मैं आपको बता दूं मुल्क में उस वक्त महीशत बेहतर होगी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जो दो हज़ार अठारह के फेयर एंड फ्री थे

तो फिर रिजल्ट को अच्छा तो नहीं निकला कभी भी नहीं मुल्क अच्छा बैठ रहे तो हाँ। होगी अच्छा डॉक्टर साहब ये अब इलेक्शन का जो माहौल इस वक्त यही जो सिनेरियो में नजर आ रहा है कि कहीं पे हाई हैंडेडनेस है किसी को रोका जा रहा है और कहीं कोई ये भी कह रहे हैं है <laughs> तो वो, वो क्या ये ऑप्टिक्स कौन सी ऑप्टिक्स के साथ खेल रहे हैं ये लोग मेरे हाँ लोग अब मेरा इस तरह का मैसेज नहीं लेंगे उसी तरह इन टोटो जो आप करना चाह रहे हैं, पीपल विल डिसाइड इन अ डिफरेंट वे। सोशल मीडिया का वक्त है। hmm. फिर ये यंगर जनरेशन जो अब अठारह साल से ऊपर हुई है और कई मिलियन ए, ए, श, चार मिलियन है हाँ नए है। है। वोटर हैं दो हजार वोटर तो अब दो सवा दो करोड़ वोटर ऐड हुए हैं जी हाँ जी अब ये लोग जो हैं इनकी डायनामिक्स और है और uh, ये गुस्से में बैठे हैं ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं अभी तक किसी भी पार्टी ने उस तरीके से अपने मंशूर में ये बनाया ही नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज कैसे है आप पीपल्स पार्टी का मंशूर आ गया जी मगर सवाल तो वो उन अपॉर्चुनिटीज का है ना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आना है वो, जैसे वो कहते हैं जी सा... तीस लाख नौकरियां देंगे जी, सरकार में दे देंगे ना हाँ लेकिन ती, वो तीस तीस ने भी दो एक करोड़ कहा था जी बट क्वेश्चन से जाएंगी तो लोगों को आ, की महंगाई होगी नौकरियों देगी आपने तो इकोनॉमी को चलाना है जिससे खुद ही नौकरियानिटी हाँ, निकले अपॉर्चुनिटीज लिखते हैं जी वो स्किल्स देनी है जिसमें लोग खुद ही छोटे छोटे कारोबार करना भी हो सकती जी वो सारे आपको ए, ए, वो इन्वायरमेंट देंगे तो दोनों काम चलेंगे आपकी पॉलिटिक्स भी चलेगी और आपकी इकोनॉमिक्स भी चलेगी और आपके सोशल सिस्टम्स जो हैं वो बेहतर होंगे सिर्फ ये कह देना इसे कि मैं दूंगा तो, तो आप मैनिफेस्टो दे देना काफी नहीं है आप बादशाह <laughs> की तरह तो नहीं एक्ट कर सकते हाँ। ना डेमोक्रेटिक मुल्क में कि तो हाँ। मैं दूंगा आप ये कहेंगे कि जी ये हम लवाजमत पैदा करेंगे जिससे ये चीजें पैदा होंगी और सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं होगी लॉन्ग टर्म होंगी सही बात इन दी कॉन्टेक्स वो तो कहीं नहीं नजर आता देखें सबसे इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त हालांकि मेरे लिए वो होता था तालीम मगर इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इशू बिजली है बिजली एनर्जी सोर्स लोगों के लिए सस्ती और ए, ए, इंडस्ट्री के लिए सस्ती होगी तो पहिया चलेगा ना जी सही बात वो बिजली कैसे पैदा करनी है एक तरफ तो आप साइन करके आए हैं कि जी ए, ए, फ्यूल से बिजली नहीं पैदा होनी और सारी पैदा आप फ्यूल से आप सारी हालांकि आपके पास पानी भी है आपके पास, पास हाँ न्यूक्लियर भी है सर मैं दस तरीके गिना सकता हूँ बायो मैसेज है बायो गैसेज है एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है आप काफी है बहुत है मगर सोची नहीं है उस तरफ नहीं ये शहबाज शरीफ साहब ने तो पिछले दिनों आज से कुछ साल पहले ऐलान किया था कि हम दस मेगावाट सोलर से पैदा करेंगे वो फिर बीच में ही रह गया वो मंसूबा सबसे आसान तरीका जो है ना ऐलान करना है ना वो ये <laughs> है कि <के> आप बड़े <laughs> शहरों में हर घर को ठीक है सब्सिडाइज कर दें सोलर

जिस और दुनिया में सबसे जो कमतर तरीन टेक्नोलॉजी बिजली पैदा करना है ये साइकिल की डेनमो से भी पैदा होती रही, है। हो जाती है होती तो रही है ये हवा से होती है ये सूर्य से होती है बात सब बातें बहुत करने वाली थी तो लेकिन अब आप प्रोग्राम अपने अखदाम तो को पहुंच गया अब हटी बंद हो गई <laughs> तो आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात बड़े आपने टाइम निकाला तशरीफ लाए तो आपने अब बातचीत सुनी जी बड़ी भरपूर माशा डिस्कशन हुई है तमाम अस्पेक्ट्स ऑफ आर इकानी ऑफ आर पॉलिटी वेस्टेड इंटरेस्ट भी जेर बैस आया और सोल्यूशनस भी हमने डिस्कस किए लेसर गवर्नमेंट भी एक सोल्यूशन है लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर जब हम इसार करते हैं तो वो अगर हैंड इन ग्लव होगी विद माफियाज़ और आवाम को लूटने वालों के साथ तो फिर वही हालत होगी जो आज हमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में दिखाई देती है इसके साथ ही अपने मेज़बान में या को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद